लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, गुजरात शांति प्रिय प्रदेश, यूपी के लोगों को प्रशासन पर भरोसा रखने को कहा। लामा शहर कांग्रेस कमेटी को नया कार्यवाहक अध्यक्ष मिल गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने नगर निगम के पार्षद नफीस अनवर को शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया। लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इको कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इलाहाबाद में समतामूलक संविधान को जलाए जाने के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने देशभर में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मथुरा में संत परमहंस दास की गिरफ्तारी पर आक्रोश, निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता ने दी कड़ी चुनौती, देश के सभी अखाड़े करेंगे उग्र आंदोलन। महोबा में डेंगू से निपटने की कोई भी स्थायी इंतजाम न होने से डेंगू पीड़ित महानगरों में इलाज कराने के लिए विवश है। कबरई ब्लॉक के मवाई खुर्द गांव में डेंगू ने दस्तक दे दी है। फरुखाबाद में सड़कों का हाल खस्ताहाल है, शिकायतों के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। खराब सड़कों के चलते कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं। संभल में प्राइवेट स्कूल की टीचर को पुलिस ने अपने पति के कत्ल की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रबंधक से अवैध संबंध के चलते की थी हत्या। संभल जिले के भैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का बेटा ही हत्यारा निकला। गाजियाबाद के मसूरी में जंगल में युवक का शव बरामद हुआ था। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। 5 लाख की फिरौती न देने पर युवक की हत्या की गई थी। सोनभद्र जिले में विकास योजनाओं में मची लूट को लेकर आज भ्रष्ट अधिकारियों का पिंडदान किया गया। नगर स्थित संकट मोचन मंदिर पर जिले के कई और गैर राजनीतिक संगठनों के लोगों ने इसमें भागीदारी की। देवरिया के डीएम अमित किशोर की मानवीय पहल, मुहर्रम के दौरान घायल कान्हा के परिवार को डीएम ने सौंपा 30,000 का चेक। ग्रेटर नोएडा दांदरी पुलिस के हाथ एक ऐसा शातिर वाहन चोर चढ़ा है जो एनसीआर से मोटरसाइकिल को चुरा कर बाहर के जिलों में कम कीमतों पर बेचता था। जालौन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए 16 पेटी अवैध देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोहन थाना के गांव इटवा का मामला। कासगंज एसपी कासगंज अशोक कुमार शुक्ला के निर्देश पर पुलिस ने अवैध शराब की लाई जा रही एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 650 पेटी शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा जेवर पुलिस ने चेकिंग के दौरान जेवर से नोएडा जाने वाले कट एक्सप्रेसवे से एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। कासगंज में ड्राइवर की लापरवाही से गन्ने से ओवरलोड ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। शामली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 9 बाइक भी बरामद की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। झांसी के फूटा चौपटा की कालीबाड़ी में इन दिनों मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं अब्दुल खलील। 6 साल पहले तक पिता अब्दुल खालिक झांसी में दुर्गा देवी की पहली मूर्ति बनाते थे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ गौरव कृष्ण बंसल के मुताबिक नवरात्रि मेले के दौरान विंध्याचल और मेहर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 4 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का 1 और 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला लिया गया। बाराबंकी में सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में गरीबों को कनेक्शन बांटा जा रहा है। बिजली आपूर्ति के लिए बनकर तैयार उपकेंद्रों से सप्लाई ही नहीं शुरू हो पा रही है। उन्नाव में जर्जर हो चुकी हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी, एसटी लाइन की चपेट में आने से अधेड़ की हुई मौत। घटना से नाराज लोगों ने उन्नाव शुक्लागंज मार्ग पर लगाया जाम। गाजियाबाद की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक सुनार सहित 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे लाखों कीमत की ज्वेलरी और रुपए बरामद हुए। शाहजहांपुर में डीएम अमृत त्रिपाठी ने जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। डीएम ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम दिया है। बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आज बांदा में बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने धरना प्रदर्शन करके रेलवे ट्रैक में घुसने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने किसान की पत्नी और प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत वन विभाग चित्रकूट द्वारा स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता फैलाने के कई कार्यक्रम किए गए। समापन के दौरान प्रतियोगी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। एटा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों में घोटाला सामने आया है। कम मटेरियल लगाकर बने शौचालय की दीवारें जर्जर हो गई हैं।
कन्नौज जिले के सिकंदरपुर में बने भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। पिछले कई दिनों से विद्यालय में ना तो पानी आ रहा है और ना ही खाना। केडीए बना भ्रष्टाचार का अड्डा, खुले में चल रहा है सेटिंग का सील लगाने का खेल। एजेई और प्रवर्तन विभाग कर रहे हैं लाखों की काली कमाई, केडीए वीसी को नहीं लगती भनक। कानपुर में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती 155 वर्षीय आदमी को मृत घोषित कर दिया। संतकबीरनगर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पार्टी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसमें कैमरे को देखते ही शराब पी रहे कर्मचारी गिलास छुपाते हुए नजर आए। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने नकली नोट के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 15,000 रुपए के नकली नोट, मोबाइल फोन और बाइक बरामद।